गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शीट्स के बारे में, एवरी शीट और कार्टर शीट के बारे में। सिर्फ ये दो शीट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा कि मुझे ये शीट्स कैसी लगी और इसमें डिफरेंस क्या है, आपको करनी चाहिए यूज़ या आपको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं कुछ कंपेयर करके नहीं दिखाऊंगा इस शीट्स के बारे में, बस थोड़ा प्रॉब्लम्स बताऊंगा और इसकी एडवांटेजेस बताऊंगा कि क्या है जो मुझे लगी है इस शीट्स में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी कंपेयर करने की, कौन सी शीट बेस्ट है, कौन सी शीट बेस्ट नहीं है, बट यहाँ इस वीडियो में आपको कंपेयर करके नहीं बताऊँगा। और गाइस, इस वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा शायद आपको किसी ने दी भी नहीं होगी। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एवरी शीट और कार्टर शीट में क्या फ़र्क होता है और हमें इसमें मतलब कैसी की मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम ग्रेफाइट पेंसिल स्केच या कलर पेंसिल स्केच बनाते हैं। तो मैं आपको ग्रेफाइट पेंसिल से और कलर पेंसिल स्केच से दोनों के साथ बताऊँगा कि आपको कौन सी शीट बेस्ट है स्केच करने के लिए। तो गाइस, चलिए देखते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास दो शीट्स हैं, ये एवरी शीट है और ये कार्टर शीट है। हम आज इन दोनों शीट्स के बारे में बात करेंगे कि इन शीट में मुझे क्या प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, अगर आप बिगिनर्स हैं कार्टर शीट यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इसमें शेडिंग ब्लेंडिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एवरी शीट पर अच्छी नहीं होती है, एवरी शीट पर भी शेडिंग और ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, बट आपको मैं इसमें एक प्रॉब्लम बताऊँगा कि एवरी शीट में ब्लेंडिंग शेडिंग कभी कभी गलत हो जाती है। मेरे बहुत सारे स्केच गलत हुए हैं, शेडिंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सी होती है, बिल्कुल मतलब स्केच ख़राब हो जाता है। तो उसका क्या कारण है, क्यों एवरी शीट पे वो स्केच ख़राब हो जाता है, आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका ब्रांड क्या है। ये शीट 210 GSM है एवरी शीट और ये आई थिंक 140 GSM है। तो ये दोनों शीट आपको सेम कलर की लग रही होगी क्योंकि ये सेम ही ब्रांड की है। और वो ब्रांड आपको मैं बता देता हूँ कौन सा है, वो ब्रांड है नीलगगन। अब आप कहेंगे ये तो लोकल ब्रांड है। यस, ये लोकल ब्रांड है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी स्केच हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी स्केच मैंने एवरी शीट पे बनाया है। कौन सी एवरी शीट पे, नीलगगन की या लोटस की। और जो इसका प्राइस है नीलगगन एवरी शीट का, वो 125 है, जो इसमें 25 शीट्स होती हैं। और जो कार्टर शीट है इसमें भी 25 शीट होती है और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। तो और आप देख सकते हैं कि जो ये शीट का प्राइस है सिर्फ 5 रुपीज़ है, और 5 रुपीज़ वाली शीट में मैं कमीशन वर्क भी बनाता हूँ और जितने भी आप स्केच देखें ज़्यादातर स्केच मैंने इसी शीट पर बनाए हैं, ओनली 5 रुपीज़ वाली शीट पर। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि क्योंकि मैं यहाँ पे जिस स्टेट में हूँ, मैं अबोहर से हूँ, यहाँ कोई ऐसी शॉप नहीं है कि जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा और मटेरियल अच्छा मिल सके। तो यहाँ पे एक लोकल ब्रांड ही मिलता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी अर्जेंट लेना पड़ जाता है तो मुझे इसी का यूज़ करना पड़ता है और स्टार्टिंग से मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन भी बहुत शीट्स मंगवाई हैं पर ज़्यादातर फिर भी मैं इसी शीट को यूज़ करता हूँ। आप जहाँ से हो मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ कैसा स्टोर है, आपका कौन से शहर से हो, आपके वहाँ कौन सी शीट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, बट गाइस, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हो, सस्ती से सस्ती शीट को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अगर कोई महंगी शीट यूज़ कर रहा है, या मैंने ब्रिस्टल स्ट्रैथमोर की शीट भी ली थी और मैंने उसका आपको रिव्यू भी दिया था पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सिर्फ चेक करने के लिए थी वो शीट कैसी है, वो शीट काफ़ी अच्छी है, ग्रेफाइट पेंसिल के लिए भी काफ़ी अच्छी है और कलर के लिए भी अच्छी है। और गाइस, आप ये मत सोचना कि मैं अगर इस शीट पे काम कर रहा हूँ तो आपके लिए ये शीट बेस्ट होगी या हमें भी यही शीट यूज़ करनी चाहिए इसलिए हमारा स्केच भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। नहीं गाइस, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कार्टर पेपर यूज़ करिए, रफ़ स्केच के लिए यूज़ करिए, ये बहुत बेस्ट शीट है। एवरी शीट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने एवरी शीट यूज़ करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेन क्या होता है, ब्लेंडिंग शेडिंग का होता है। अगर आप ब्लेंडिंग शेडिंग अच्छे से कर पाते हो तो स्केच को मतलब रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम रियलिस्टिक स्केच बनाएं। तो गाइज, अगर आप ग्रिड से बनाते हो और एवरी शीट का यूज़ करते हो
तो अगर आप लाइंस लगाते हो, लाइक मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के लाइंस लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत डार्क लाइन लगाई है। अगर आप इस तरह से डार्क लाइन लगाते हो तो आपको मान लो शेडिंग आप इतनी डार्क नहीं कर पाते तो वो लाइंस आपकी दिखेंगी। और अगर आपने इसको इरेज किया और अगर आपने इसके ऊपर शेडिंग की, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे हमने ये एक मैंने एग्जांपल की तरह ग्रिड बनाया, तो अगर आपने इसके ऊपर शेडिंग करनी है, आपने इसको इरेज किया, तो अगर आपकी डार्क है तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये निशान भी रह जाएंगे। इसकी वजह इसलिए आप जो लाइंस लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट लगाइए ताकि वो आराम से इरेज हो सके। और अगर इरेज हो भी जाती है बट अगर आपने उसको अच्छे से जो डस्ट रह जाते है उसको साफ़ नहीं किया तो उसके बीच पैच आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में पैचेस आ रहे हैं और ये पैचेस इसी कारण से हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने डस्ट को साफ़ नहीं किया है। और अगर आप इस डस्ट को साफ़ कर देते हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ डस्ट वहाँ पे रहेगा और आपके ये पैच आएंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपकी ये जो शीट में जो अगर आप इसको ब्लेंड करते हो ब्रश से, मैं आपको यहाँ पे ब्लेंड करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ जगह से ये ज़्यादा डार्क है, कुछ जगह से बहुत लाइट है। तो आपका अगर आप फेस बना रहे हो तो अगर आपका स्केच कहीं ना कहीं से ऐसे हो गया तो गाइज आपका स्केच पूरा ख़राब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है एवरी शीट पे काम करते वक्त। या तो आप लाइंस जो लगाते हो वो बहुत लाइट लगाओ, अगर लाइट भी लगाओ या डार्क लगाओ तो आप उसको इरेज मत करो। एक्चुअल में डार्क लगाओगे तो वो दिखेगी, इसलिए लाइट लगाओ और उसको इरेज मत करो, उसके ऊपर ही शेडिंग अच्छे से करो तो आपकी शेडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप कार्टर शीट यूज़ करिए, इस पर काफ़ी अच्छी शेडिंग होती है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कुछ ये इसकी ख़राब होने की। वैसे आप मेरी रिकमेंड से तो आप कार्टर शीट यूज़ करिए। ये शीट देख सकते हैं, ये फैब्रियानो की शीट है, रफ्स के लिए मैंने यूज़ की है। काफ़ी टाइम से तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम होता है इसे अगर आप रफ स्केच मतलब आप बिगिनर्स हैं आपने नया नया स्केच बनाना स्टार्ट किया तो ये शीट बहुत बेस्ट है। ग्रेफाइट के लिए बहुत बेस्ट है कार्टर शीट। और अगर आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं तो आप ये दोनों शीट को यूज़ कर सकते हैं, एवरी शीट को भी और कार्टर शीट को। ये थोड़ी रफ़ शीट होती है, ये स्मूथ होती है। इसका कार्टर शीट का वन साइड तो रफ है और दूसरी साइड इसका स्मूथ है। वह इसमें से आप देखो कि आप कौन सी शीट पे अच्छे से स्केच बना पाते हो, आप वही शीट यूज़ करो। आप मेरे कहने पे मत चलना कि यार क्योंकि मेरी स्किल्स इम्प्रूव्ड हैं, मुझे कोई भी शीट दे दो मैं उसी शीट पे स्केच बना लूँगा, चाहे जैसा भी स्केच हो जैसी भी शीट हो मैं उस पे स्केच बना लूँगा, राइट। और अब हम बात करते हैं कलर की। अगर आप कलर पेंसिल से बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कौन सी शीट बेस्ट है? तो गाइस कलर पेंसिल के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि स्मूथ पेपर बेस्ट है कलर्स के लिए, क्योंकि अगर कलर के में आपके जो रफ़ शीट यूज़ करोगे तो वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दो स्केच, ये जो स्केच है ये मैंने स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल पे बनाया है, आप देख सकते हैं। और ये इसके जो शीट्स है इसका प्राइस 55 रुपीज़ है और इसका 5 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं कौन सा स्केच ज़्यादा अच्छा बना है। तो अब आप ये देखिए बिल्कुल सस्ता सा ये पेपर है और इस पर इतना अच्छा स्केच बना है प्रिज्मा कलर से, और ये इतना महंगा पेपर है फिर भी इसमें आप देख सकते हैं ये स्पॉट्स रह जाते हैं, वाइट यहाँ पर रह जाते हैं जैसे ये हेयर्स पे। तो गाइस ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा रफ़ सा पेपर है। गाइस सबसे बेस्ट जो पेपर रहेगा कलर पेंसिल स्केच के लिए वो एवरी शीट ही रहेगा, आप एवरी शीट यूज़ करिए अगर आपको कलर स्केच बनाना है तो बेस्ट है। रफ़ स्केच आप यूज़ करिए ग्रेफाइट पेंसिल के लिए,
वो उसके लिए बेस्ट है। राइट, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो ये इसमें गलतियाँ लगी और मैंने आपको वो बता दी। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि हमें कार्टर शीट यूज़ करनी चाहिए या हमें एवरेज शीट यूज़ करनी चाहिए। एक्चुअली में ये दोनों शीट बेस्ट हैं और वो बस आपको देखने कि आपकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कितनी है कि आपको कौन सी शीट यूज़ करनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी अभी आपने स्केच बनाना स्टार्ट किया है, अभी आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपके लिए रफ़ बिल्कुल बेस्ट है, ब्लेंडिंग के लिए, शेडिंग के लिए बहुत बेस्ट शीट है आपके लिए। और अगर आपकी स्किल्स इंप्रूव है तो आप एवरेज शीट यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी एवरेज शीट यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने नील गगन की है, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स की आती है। आप एक और सस्ता सा ब्रांड आपको बता देता हूँ, लोटस की आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने भी यूज़ करी है। तो आप इस तरह की शीट यूज़ कर सकते हैं, आप कमीशन वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे वो कमेंट से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।